ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक डिफरेंट रीडिंग लेकर आए हैं जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते को लेके, माइंड में क्या चल रहा है और क्या वो एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, क्या दिख रहा है, एंड लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये रीडिंग को आप एक जनरल रीडिंग की तरह ले सकते हैं, जिसे आप अपनी नाम राशि सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है या कभी सोचा नहीं अभी तक इस बारे में, सो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मेरी न्यू रीडिंग आएगी आपको नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन का साइन हमेशा ऑल पे रखें ताकि जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं, हालांकि मैं हमेशा कम्युनिटी की टैब से एक मैसेज ज़रूर डालती हूं ताकि आप सबको इन्फॉर्म रखूं कि कोई रीडिंग पोस्ट होती है, बट इट वुड बी बेटर कि अगर आप नोटिफिकेशन अपनी ऑन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो अब हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ओके, ऑल राइट। सो पाइसिस यानी कि मीन राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सो हम उनकी करंट एनर्जीज निकालेंगे, देखेंगे फिर इंटेंशंस। सो पेज ऑफ कप्स, Knight of Swords, Hanged Man, Two of Cups and Five of Wands. देखिए Pisces, आपके जो ये पार्टनर हैं, एक चीज का आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि उन्हें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि आपका और उनका बहुत अच्छा एक रिश्ता है या रिश्ता था, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्यार और एक बहुत अच्छा सब कुछ है या था जिसमें इन्होंने एक ब्रेक लगाया। अपनी खुद की सिचुएशन की वजह से, अपने मेंटल लेवल की वजह से, अपनी गलतियाँ या ओवर जो भी इन्होंने किया, ठीक है, अब झगड़े दिख रहे हैं। अब झगड़े में तो कुछ भी हो सकता है और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो हुई हैं इनकी तरफ से। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में प्यार की कमी नहीं थी, प्यार इन आपके पार्टनर आज भी आपको करते हैं और आज भी आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं, लेकिन जो अभी इनकी सिचुएशन दिख रही है वो दिख रही है हैंग्ड मैन की, यानी कि अटकी हुई सिचुएशन की। अंदर से ये बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, अंदर से इनके मन में तूफान चलते रहते हैं, 2500 बातें चीज़ें चलती रहती हैं, अपनी तरफ से बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ दिमाग में है इनके, लेकिन जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो ये है पेज ऑफ कप से कि दिखाना नहीं है उस प्यार को। ठीक है, प्यार है बट मुझे इस प्यार को दिखाना नहीं है, मुझे इसे छुपाना है, मुझे इसे दबा के रखना है और इसे अपने तक ही रखना है, और मुझे यही करना है, ये झगड़े ही करने हैं। मुझे लगता है बहुत झगड़ालू पार्टनर से आप डील कर रहे हैं। इनका झगड़ा करना शायद इनका सबसे बड़ा पार्ट टाइम काम था। ये जितना टाइम आपके साथ रहे भी है ना, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने, आप जितना इमोशनल बन के रहे हैं ये उतने झगड़ालू बन के रहे हैं, हद का लड़े हैं ये आपसे। और अभी भी अगर मैं देखूं तो कहूं कि हाँ, ये बंदा अपना गुस्सा, अपना वो चीज़ें छोड़ना चाहता है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अंदर से, लेकिन कुछ अच्छा करने के मूड में नहीं दिखता। ठीक है, इंटेंशंस देखते हैं इस रिश्ते को लेके, इनकी इंटेंशंस क्या है। दो कार्ड्स लेते हैं, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपने ना पाइसिस, आज तक जो इनके साथ रिलेशनशिप निभाया है या जो चीज़ें आपने की हैं, एक चीज़ का ना इन्हें क्यों आपने कॉन्फिडेंस दे दिया है कि भले ही आप मेरे से बात ना करो, भले हमारा हम दूर हैं, भले हम, आपने ना कहीं इनको नीडी बन के दिखा दिया है। आपने ये दिखा दिया है कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, और मेरी लाइफ में जो खुशियां हैं वो तुम्हारी वजह से हैं, वगैरह वगैरह टाइप्स।
बहुत बेवकूफ़ियाँ करी हैं आपने भी, और ये चीज़ उनके आज की करंट फीलिंग्स में और आज के करंट उसमें दिखती हैं। जहाँ तक मुझे लॉयल्टी का दिख रहा है, मुझे कोई खास लॉयल दिख नहीं रहे इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये आज वापसी करे, आज वापस आना चाहे, आज आपसे कहे ना कि सी आई वॉन्ट टू कम बैक, तो आप खुशी खुशी कहेंगे हाँ हाँ रास्ता खुला है, आप आ जाओ। ना आप अपनी कोई शर्तें रखेंगे, ना आप अपनी कोई बात रखेंगे, ना आप कोई नाराज होंगे, ना कुछ। पता नहीं क्यों आपने इतना इनको ईजी रख दिया कि आपके साथ वापस चीज़ों को करना या नॉर्मल करना इनके लिए लाइफ का सबसे ईजी गोल है, सबसे ईजी काम है। सो ये गलती हमारी खुद की होती है जो हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते कि दूसरा हमारे सर पे चढ़ ही जाता है, ठीक है। तो ये पाइसिस आपकी गलती दिख रही है इसमें, मुझे उस पर्सन की गलती नहीं दिख रही, आपने अपनी नहीं बाउंड्री सेट करी। देखते हैं क्या ये कोई एक्शन लेंगे फ्यूचर में, आने वाले दिनों में आपके लिए। दूसरे डेक से देखेंगे क्या पाइसिस के पर्सन कुछ एक्शन लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड सिक्स ऑफ कप्स। देखो पाइसिस, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, मैंने आपको अभी इंटेंशंस में बोला ना, इन्हें ये लगता है कि आज मैं पाइसिस के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मेरे को वापस आना है, तो पाइसिस के हाँ आ जाओ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के नहीं रखने वाले आप। एनीवेज खैर वो तो आपकी अपनी, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। जिसकी भी ये एनर्जी पिक हुई है मुझे दिख रहा है, ये सब पाइसिस के साथ नहीं हो रहा। तो सारे पाइसिस ये मत कहने लगना हमने तो अपनी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई थी, हमने तो बहुत लड़ाई की थी, हमने तो अपने आप को हमेशा। तो अभी हर एक के साथ नहीं है, ये उन लोगों के साथ है जिन्होंने नहीं दिखाई थी। तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कॉमेंट्स में ये सब मत लिखने लग जाना प्लीज़, रिक्वेस्ट। एनीवेज तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, और इसको मन में बहुत सारे डर भी हैं कि मेरे को रिकन्सिलिएशन करनी है तो इस टाइम तो पाइसिस ज़बरदस्त तरीके से मेरे से नाराज़ है भाई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूं कि अगर ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आता भी है और इसके मन में आ भी गया है, तो भी ये कोई ऐसा नहीं कि भैया आए और ठीक है अब मुझसे गलती हो गई, तुमसे गलती हो गई, आओ लेट्स बिगिन टुगेदर, न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये मैन्युपुलेशन के साथ ही आएगा, वो इसका बेसिक नेचर नहीं छोड़ के आएगा, ये उसके साथ आएगा और वही सेम आपके साथ आगे भी करेगा। तो ये आपके ऊपर है पाइसिस कि आप इसे और कितने मौके देना चाहते हो। ये आपकी लाइफ है तो आप अपने हिसाब से प्लीज़ इस चीज़ को समझें, मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, ठीक है। बाकी मुझे चांसेस दिखते हैं कि हाँ रिकन्सिलेशन के लिए ये सोच रहे हैं, बट बड़ा मैन्युपुलेटिव सोच रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं, क्या ये आपको कोई डिवाइन गाइडेंस मिल रही है इस सिचुएशन में पाइसिस, क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए। लॉर्ड हनुमान का कार्ड है, डेडिकेशन योर सेल्फ टू लॉर्ड हनुमान। आप ऊपर वाले पे छोड़ दें, आप अब तक बहुत अच्छे सच्चाई से तरीके से चलते आए हैं अपनी लाइफ को लेके। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो सच्चाई या वो इंटीग्रिटी को छोड़ दें, बट थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा यूज़ करें, मैं आपसे बस यही कहूँगी, ठीक है। चूज़ द राइट पाथ, जो सही है उस रास्ते पे चलें, गलत रास्ते पे मत जाएं, और क्रॉस रोड्स पे मत खड़े रहें ये सोच के कि ये डेड एंड है, यहाँ से मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। नहीं है, मोड़ आ गया है ज़िंदगी में एक, अब वहाँ से मुड़ना है, किसी तरफ तो जाना होगा ना, तभी तो आगे का रास्ता बनेगा कि कहाँ जाना है, वही है। एंड अगला है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग, तो अपने माइंड को बॉडी को क्लियर करो, पुरानी चीज़ों को लेट गो करो और रास्ता आगे का सोचो कि मुझे कैसे जीना है, मतलब ही लोगों से थोड़ा दूर ही रहो, यही कहूँगी, ठीक है।
सो ये है पाइसीज आपकी रीडिंग, एंड आई होप माय डियर पाइसीज आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई हो इस पूरी रीडिंग से। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।